आज की क्लास में मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल फार्मूला, जो हमारे मैथमेटिकल कैटेगरी का जो फार्मूला है, उस मैथमेटिकल कैटेगरी के फार्मूले पे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फार्मूला होता है AVS का। जैसे आपके पास कुछ नंबर्स हैं और माइनस भी है प्लस भी है, तो मुझे माइनस को प्लस करना है, माइनस 50 इसको प्लस करना है। इसका एक सिंपल तरीका ये है कि आप माइनस भी इसको सिलेक्ट करें तो प्लस में हो जाता है, लेकिन अगर प्लस हुआ तो फिर माइनस हो जाएगा। सो मुझे क्या करना है कि आपको यहाँ पे कि माइनस जो है प्लस हो जाए और प्लस प्लस हो जाए, मतलब कि मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू करना है। जी हाँ, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में यहाँ ABS नाम का फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। ABS जो कि होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, तो प्लस को माइनस को प्लस, प्लस को माइनस कर देता है। अब इसका यूज क्या है, हमने इसको रैप फॉर्मूला में पढ़ाया था, तो आगे भी इसका यूज मैं बताऊंगा। उसके बाद मेरे पास एग्रीगेट का फॉर्मूला है। अब एग्रीगेट फॉर्मूला क्या करता है, इसके लिए मुझे यहाँ सब टोटल सीखना होगा। तो आपके सामने डेटा है, तो मैं सबसे नीचे आता हूँ और यहाँ रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस टोटल कर देता हूँ, टोटल। और यहाँ पे मैं इक्वल सम का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो यहाँ पे टोटल आ गया 3784। अब मान लीजिए कि मैं इस पर फिल्टर लगाता हूँ, फिल्टर है, मान लीजिए मैं पूजा का सिलेक्ट करता हूँ, पूजा है, मैं यहाँ मान लीजिए नॉर्थ है, नॉर्थ सिटी, मान लीजिए मैं यहाँ पे जयपुर सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ जो टोटल आ रहा है वो इसका टोटल नहीं, ये ओवरऑल टोटल दिखा रहा है। मैं चाहता हूँ जो मेरा विजुअल्स है उसी का टोटल दिखे। इसके लिए हम लोग यहाँ सम के जगह पे सब टोटल नाम का फॉर्मूला लगाते हैं, सब टोटल, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं नंबर 9 फॉर द सम, फिर कॉमा, हम रेफरेंस फर्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ओके कर देते हैं। अभी पूरा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं फिल्टर लगाऊंगा, जैसे मैंने मान लीजिए फिल्टर यहाँ पे लगा दिया, अमर का मैंने लगा दिया यहाँ पे जयपुर, अब यहाँ देखिए 1212। लेकिन सब टोटल फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है विजुअल सेल्स को सम करने के, किसको सम करने के लिए, विजुअल सेल्स को। बट मान लीजिए कि आपके डेटा में किसी तरह का एरर आ गया, ऐसे हैश ने कर दिया, ये एरर आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्मूला रिजल्ट नहीं दे रहा, क्योंकि सिंपल सा कंसेप्ट है कि किसी भी तरह का एरर अगर आपके डेटा में आता है तो फिर वो एरर ही शो करेगा। तो यहाँ पे मैं सब टोटल ना लगा के एग्रीगेट का फॉर्मूला लगा दूँ तो वहाँ हमें ऑप्शन मिलता है, जैसे मैंने यहाँ पे सम कर लिया, सम का नंबर 9, और यहाँ पे पूछता है कि क्या इग्नोर करना है। तो इग्नोर में हमने यहाँ पे सबसे लास्ट वाला बोला कि इग्नोर हिडन एंड एरर वैल्यू, बाकी भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें एरर कर दिया। उसके बाद हमने रेफरेंस को सिलेक्ट किया, तो अब यहाँ देखिए हमारा टोटल आएगा। बीच में किसी भी तरह का अगर एरर आता है तो यहाँ रिजल्ट जो है आपका इफेक्ट ये होगा, मतलब कि रिजल्ट देगा, ये नहीं होगा कि एरर है तो नहीं शो करेगा। और फिल्टर करने के बाद आपका जो फिल्टर होगा, जो विजुअल्स होगा, उसी का रिकॉर्ड यहाँ पे देगा, सम देगा। तो एग्रीगेट फार्मूला एंड सब टोटल फार्मूला सेम है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे डेटा में कई तरह के एरर आ जाते हैं और यहाँ पे भी इसका सम नहीं कर पाते हैं, तो सम ना होने के रीजन हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे सब टोटल, या फिर एग्रीगेट। हम यहाँ पे क्या करना है, सम करना है, सम को सिलेक्ट किया, और फिर हमें क्या इग्नोर करना है, एरर को इग्नोर करना है, एरर को सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे कॉमा हमने रिकॉर्ड किया, तो रिजल्ट आपके सामने। तो एग्रीगेट फॉर्मूला इसके लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास एरबिक फॉर्मूला है। अब जैसे नंबर आपके पास है, मुझे इस नंबर को कन्वर्ट करना है रोमन नंबर, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है रोमन का, रोमन जो है रोमन नंबर में कन्वर्ट कर देता है।
रोमन नंबर्स वापस नॉर्मल नंबर चाहिए तो उसके लिए अरेबिक होता है, अरेबिक को सिलेक्ट कीजिए तो वापस ये अरेबिक फॉर्म नंबर में आपका जो नंबर है उसमें कन्वर्ट कर देता है, वो आपका अरेबिक होता है। उसके बाद है साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह है, कोई खास नहीं है। हाँ, इसमें सेलिंग, लेकिन सेलिंग से पहले मुझे यहाँ बात करनी होगी इसकी डेसिमल्स की। अगर मैं यहाँ पे कुछ डेसिमल्स देता हूँ 36, तो यहाँ आप देखेंगे इसको इसको डेसिमल को मान लीजिए बहुत सारे डेसिमल्स हैं, जैसे नाउन का फॉर्मा लगाइए ना और इसको कन्वर्ट कर नंबर, मैं चाहता हूँ इसका दो ही डेसिमल प्लेसेस हो, तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाते हैं राउंड का और यहाँ पे हम थ्री कर देते हैं या दो कर देते हैं, दो डेसिमल्स आए, या फिर डेसिमल्स जो है आपको रिमूव करना है तो राउंड फॉर्मूला ले लेते हैं और इसमें कॉमा जीरो करते हैं तो नीरेस्ट दिखाता। अगर मैं यहाँ पे 63 करूँ तो यहाँ पे 13 दिखाएगा, तो नीरेस्ट दिखाता है। उसी तरीके से हमारे पास फॉर्मूला होता है राउंड अप का, ये हमेशा अपर दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर 12.10 भी करूँ तो फिर भी ये 13 ही दिखाएगा। और एक फॉर्मूला होता है राउंड डाउन का, राउंड डाउन फॉर्मूला क्या करता है कि अगर मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कर दूँ तो ये आपका 12, अगर 12.99 भी होगा फिर भी ये 12 ही दिखाएगा। तो राउंड राउंड डाउन एंड राउंड अप तीन फॉर्मूले होते हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देखिए मुझे नंबर राउंड करना, जैसे मान लीजिए किसी ने आपको ऑर्डर किया 45,900 का, बट प्रॉब्लम क्या है कि आप जो है ये जो है आपका 1000 का मल्टीप्लेक्स है, मतलब कि आप 45,000 के यहाँ पे 46,000 दे सकते हैं या 45,000 ले सकते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है ना यहाँ पे आपका अगर मैं 45,490 करूँ तो ऑटोमेटिकली वो 1000 हो जाए और 40,000 शुरू हो जाए। तो उस केस में हम यूज करते हैं सेलिंग मैथ या सेलिंग, दोनों एक ही फॉर्मूला है। इसको सेलेक्ट किया और कितना का सेपरेटर चाहिए तो 1000 का, अब 40,000 आएगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 1250 करूँ फिर भी ये 2000 ही दिखेगा, 1965 करूँ फिर भी ये 2000 दिखेगा, जैसे मैं 2155 कर दिया ये 3000 दिया, क्योंकि ये 1000 का मल्टीप्लेक्स है। तो 45,690 कर दिया तो यहाँ पे 40 दिखेगा। और इसी में आपको लोअर में आना है तो आपके पास होता है फ्लोर का फॉर्मूला, फ्लोर मैथ या फ्लोर, इसको सिलेक्ट कीजिए और मैंने 1000 कर दिया, 45,000 आया। तो नंबर्स को इस तरह से राउंड कर सकते, समझ में आप लोगों को कोई डाउट इसमें? नहीं सर, समझो। तो आपका सेलिंग मैथ और सेलिंग, अब बारी आती है कॉमन फॉर्मूला। अब जैसे मान लीजिए ये परमुटेशन होता है, जैसे कि तीन लोगों को आपने सिलेक्ट किया बट दो को हायरिंग करना है, तो कितने लोगों का आपके पास चॉइसेस है, यहाँ पे हम कॉमन का इस्तेमाल करेंगे। कॉमन इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, तीन आया, मतलब कि आपके पास मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, तो आप मिस्टर ए और बी को ज्वाइन करवा सकते हैं या मिस्टर ए बी और सी को ज्वाइन करवा सकते हैं और मिस्टर ए और सी को ज्वाइन करवा सकते हैं। तो तीन तीन चॉइसेज आपके पास चॉइसेज देता है, मैथमेटिक्स में उसको परमुटेशन बोलते हैं। बाकी कॉस थीटा साइन थीटा है, डेसिमल दिखाता है, इवन हमेशा नेक्स्ट इवन नंबर देगा, फैक्ट फैक्टोरियल नंबर देता है, इसने 5 कर दिया तो 5 का फैक्टोरियल निकाल दिया इसने, मतलब उसने 1 × 2 × 3 × 4 × 5 इस तरह का निकाला। अगर मैं फैक्ट डबल कर दिया तो फिर वो सम जितने भी विषम नंबर 5 दूंगा तो जितने भी ऑड नंबर उसका मल्टीप्लाई निकालेगा, और अगर मैं इवन दिया तो इवन का निकालेगा फैक्ट डबल। GCD कॉमन ग्रेटेस्ट डिवाइडर निकालता है, जैसे आपको इसमें 45 में और 35 में सबसे हाईएस्ट ग्रेट डिवाइडर कौन सा है, 5 है, लोग महत्तम निकालते हैं तो महत्तम है।
एलसीएम आपका एलसीएम निकालता है, एम राउंड मल्टीपल राउंड इसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 50 गिफ्ट्स आए और 17 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको एग्जैक्ट 17 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट तो होगा नहीं इक्वली, तो आपको कितने गिफ्ट होते हैं तो आप कितने गिफ्ट आते हैं तो आप इक्वली डिवाइड कर सकते हो, तो इसके लिए एम राउंड का यूज करते हैं मल्टीपल राउंड। 51 छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, कभी कभी इसका यूज आप पड़ जाता है। और फॉर्मूला यहाँ पे मोड फॉर्मूला, हाँ मोड फॉर्मूला के देखिए, मोड फॉर्मूला क्या करता है, सेस पर निकालता है। जैसे मैं मान लीजिए कि 14 को 5 से डिवाइड करूँगा तो क्या मोड आएगा, तो मोड में 14 एंड यहाँ पे 5 कर दिया, आपके सामने रिजल्ट आ गया 4। जो 4 आया कौन सा, ये सेस पर रिमाइंडर होता है। जैसे एग्जाम्पल ये आपके सामने 14 है, इसको मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो 2 यहाँ आएगा और यहाँ पे आएगा 10, माइनस होकर 4 बचेगा, बचपन मान बना देते ना सर डिवाइड, ये 4 जो है ये हमारा सेल्स फल है, ये 4 मोड रिजल्ट देता है। अब बोले इसका बेनिफिट क्या है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो बताता हूँ आपको। चलिए तो जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास फॉर्मूला है टुडे का, जो कि आप सिस्टम डेट निकालते हैं, दूसरा फॉर्मूला है नाउ का जो कि डेट एंड टाइम निकालते हैं, बट टाइम का भी फॉर्मूला तो है, तो टाइम का फॉर्मूला निकालने के लिए आप बहुत सारे फॉर्मूले लगा सकते हैं। जैसे कि आप लगा सकते हैं इक्वल इन, इन फॉर्मूला क्या करता है, इंटीजर में कन्वर्ट करता है, मतलब कि अगर आपने यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे नाउ अगर आप आपका आता है, ये जो नाउ आपके आया तो इसमें अगर इसको अगर इसमें नंबर फॉर्मेट में करेंगे तो ये आपका नंबर डेट होता है और टाइम आपका नाउ होता है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे इंट का फॉर्मूला लगाया, इसको सेलेक्ट कर लिया और फिर मैंने विथ डेसिमल्स माइनस विदाउट डेसिमल्स, हमें यहाँ पे डेसिमल रिटर्न, ठीक है। दूसरा एक और फॉर्मूला है मोड का, मोड फॉर्मूला क्या करेगा कि इसको सेलेक्ट करके 1 से डिवाइड, एक मैथमेटिकल थ्योरी कहती है किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर शेष पर 0 आएगा, अगर वो नंबर डेसिमल में हुआ तो रिजल्ट आपका रिटर्न डेसिमल आएगा, बाद में इसको टाइम में कन्वर्ट कर लीजिए आपका टाइम मिल जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें, जैसे मान लीजिए मुझे इसमें से हर तीसरा नंबर का डेटा फिल्टर करना है, हर तीसरा, तो मैं यहाँ पे रो का फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल रो और नीचे की तरफ ड्रैग कर, फिर इसमें से -1 कर दिया, मैं -1 करता है 1 2 3 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला में मैं मोड लगाऊंगा और इसको बोलूंगा कि डिवाइड बाय 3, तो जो 3 का मल्टीप्लेक्स होगा वो 0 हो जाएगा। अब 0 को फिल्टर कर दीजिए, या हाईलाइट करना है, या कुछ और करना है, सम करना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ कर सकते हैं, ये चीज़ें मोड से होता है। उसके बाद ऑड देता है, पाई पाई का मान देता है, पावर निकालता है, स्क्वायर वगैरह, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करता है, रैन फार्मूला रैंडम, जैसे रैन बिटवीन हम लोग यूज करते हैं ऐसे रैन फार्मूला भी होता है, रैन फॉर्मूला रैंडम नंबर देता है बट 0 से बड़ा और 1 से छोटा। यहाँ पे यह आता है आपके पास, वो भी बता दिया, राउंड अप बता ही दिया मैंने, ये आपका होता है स्क्वायर। आपकी आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है, मेरे आवाज में किसी और की आवाज नहीं आ रहा। चलो अब ठीक है, नवरत्न जी के वजह से आ रहा है। तो स्क्वायर रूट से 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा, तो आपको 4 दे दिया, स्क्वायर रूट देता है आपका। ये फॉर्मूले तो उतने खास नहीं है, लेकिन जो खास फॉर्मूले हैं वो है हमारा डेटा समराइजेशन। जैसे मान लीजिए आप यहाँ सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं, सम के फॉर्मूले में आप पूरा ले लेते हैं टोटल सम क्या, एक मिनट, अब यहाँ पे देखिए एन ए है ना, इसलिए ऐसे प्रॉब्लम करता है।
एक राउंड करता हूँ। सम आ गया टोटल। देखिए मुझे सम जो चाहिए वो सिर्फ पूजा का सम चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ सम इफ का फॉर्मूला लेंगे, सम विथ कंडीशन, सम इफ। सम इफ में हम सेलेक्ट करेंगे रेंज किसमें हमें पूजा को मैच करना है, और सेलेक्ट करेंगे क्राइटेरिया क्या मैच करना है और किसको सम करना है। तो इस कॉलम में जहाँ जहाँ पूजा होगा उसके सामने जो एफ कॉलम में डेटा होगा उस कॉलम को सर्च करके उसका डेटा यहाँ शो कर देंगे, सम इफ का फॉर्मूला। मैं एक बार और बताता हूँ कि मान लीजिए मुझे पटना का टोटल चाहिए, तो यहाँ हम लगाएंगे फॉर्मूला सम इफ का। सम इफ हमने रेंज सेलेक्ट किया, इसमें किसमें पटना मैच करना है, फिर पटना को सिलेक्ट किया, फिर हमने क्वांटिटी को सिलेक्ट किया। यहाँ पे देखिए पटना का टोटल आया। अब इसमें कंडीशन भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ ग्रेटर दैन 50 वाले को टोटल चाहिए देखना चाहता हूँ, कितने ऐसी क्वांटिटी है जो कि 50 से ऊपर के सेल हुए हैं उसका टोटल क्या है। तो इसके लिए हम सम इफ लेंगे, सम इफ में रेंज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, जिसमें साइन होगा ग्रेटर देन 50 का। सिर्फ 50 का होगा तो 50 ही सम कर देगा, ग्रेटर देन 50 का साइन होना चाहिए। अब यहाँ पे टोटल कर दिया, बट क्या है कि ऊपर में हमने तीन कंडीशन दिया बट यहाँ पे दो कंडीशन। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा सम रेंज एंड क्वांटिटी रेंज दोनों, सम रेंज एंड क्राइटेरिया रेंज दोनों एक ही है, तो हमें यहाँ पे सम रेंज देने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और भी आता है, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है कि पूजा भी है, पूजा सिंह भी और पूजा है, हमने पूजा को सम किया तो पूरा का पूरा पूजा आया है, पूजा सिंह को पूजा के आर शर्मा को नहीं लिया। तो आप इसके सामने दोनों तरह से, जैसे वीलुकअप में किया था सेम चीज़ यहाँ आप कर सकते हैं कि दोनों तरह स्टार लगा दीजिए दोनों का सम आएगा। स्टार्ट में अगर स्टार और फिर पूजा लिखे तो एन विद पूजा, और पूजा और स्टार करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट विद पूजा। उसी तरह से मुझे पता नहीं लेकिन मुझे इतना पता है कि तीन जी के दो लेटर का है, जी के जगह पर कुछ भी हो सकता है पर दो कैरेक्टर होगा, दो बार क्वेश्चन मार्क कर दीजिए और यहाँ पे आप सम कर सकते हैं। समीफ समीफ रेंज हमने क्वेश्चन मार्क को सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्वांटिटी ले लिया तो आ गया, तो दो लेटर में जो भी लिखा हुआ है उसका टोटल आ जाएगा। तो मुझे दो से ज़्यादा वाले को टोटल चाहिए, जी को एक्सक्लूड करना है तो यहाँ पे आप कर दीजिए स्टार, तीन डाल तीन लेटर डाल के स्टार कर दीजिए, एटलीस्ट तीन लेटर तो होने ही चाहिए। और सेम आप जो फार्मूला लगा दीजिए, तो जो ए जो 2415 है, 2414 है, ये इंक्लूड इसमें नहीं है। लेकिन बात करते हैं हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस की, जैसे मुझे यहाँ कविता पुणे साउथ में चाहिए टोटल, तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस के लिए सम इफ्स का का इस्तेमाल करेंगे। बस इसका थोड़ा सा लगाने का तरीका अलग है, हम यहाँ सम रेंज को लेंगे, क्राइटेरिया उसके बाद लेंगे क्राइटेरिया वन रेंज, क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया टू रेंज, क्राइटेरिया टू, क्राइटेरिया थ्री रेंज एंड क्राइटेरिया थ्री, और रिजल्ट आपके सामने आ गया 1424। ठीक है, हाँ सर, और इसमें सारे कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, पूरे के पूरे कंडीशन। अब इसी में अगर हम बात करें एवरेज का, मुझे एवरेज निकालना है तो नॉर्मल तो आप एवरेज निकाल सकते हैं यहाँ से, एवरेज इसका एवरेज पता चल जाएगा, लेकिन मुझे पूजा का एवरेज चाहिए,
तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज इफ का, और एवरेज इफ फॉर्मूला जस्ट लाइक अ सम इफ, रेंज, क्राइटेरिया एंड एवरेज रेंज, ये सारे कंडीशंस एवरेज में भी आते हैं। उस तरह से आपको मल्टीपल कंडीशन चाहिए तो यहाँ पे एवरेज इफ्स का फॉर्मूला अप्लाई होता है, एवरेज इफ्स, और यहाँ पे आप लीजिए एवरेज रेंज, क्राइटेरिया वन रेंज, क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया टू रेंज, क्राइटेरिया टू, क्राइटेरिया थ्री रेंज एंड क्राइटेरिया थ्री, और रिटर्न। और इसमें भी सारे कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं जो हमें सम इफ और एवरेज इफ में। उसी तरीके से हमारे पास फॉर्मूला आता है काउंट के फॉर्मूले होते हैं, काउंट के बेसिस पे तीन चार फॉर्मूले, काउंट फॉर्मूले जो कि सिर्फ नंबर को काउंट करते हैं, काउंट ए फॉर्मूले जो नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करते हैं, काउंट ब्लैंक फॉर्मूला जो कि सिर्फ ब्लैंक को काउंट करता है, और काउंट इफ फॉर्मूले जो कि आप किसी पर्टिकुलर पता करना है कि पूजा कितना बार, तो आप यहाँ पे काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएं और इसमें लें और पूजा को सिलेक्ट करें, तो आपके काउंट इफ। और काउंट इफ फॉर्मूले में भी ये सारा कंडीशन अप्लाई होगा जो कि आपने सम इफ में किया, और मल्टीपल कंडीशंस है तो हम यूज करेंगे काउंट इफ्स का फॉर्मूला, काउंट इफ्स। हम यहाँ पे पहली कंडीशन देंगे नेम का, फिर पहला कंडीशन, फिर दूसरी कंडीशन, फिर दूसरा कंडीशन, फिर तीसरी कंडीशन, फिर तीसरा कंडीशन, मन में आपके सामने रिकॉर्ड आ जाएगा। ओके, कोई डाउट है सर? और उस तरह से मैक्स का फॉर्मूला, अगर मैक्स का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होगा कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू देगी, कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। देखिए मुझे मैक्स विद कंडीशन चाहिए, कि मुझे पटना का मैक्सिमम सेल चाहिए, तो यहाँ पे मैक्स इफ का फॉर्मूला लगेगा, मैक्स इफ। इसमें मैक्स रेंज हमने क्वांटिटी दे दिया, क्राइटेरिया रेंज दे दिया कि सिटी, और क्राइटेरिया दे दिया कि हमारे पे, सॉरी कॉमा देना भूल गया, माफ कीजिएगा, तो मैक्स आ। और मैक्स में भी सारा कंडीशन लगा सकते हैं, और मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला मैक्स इफ्स का, मैक्स इफ्स। यहाँ पे हमने दे दिया मैक्स रेंज, क्राइटेरिया वन रेंज, क्राइटेरिया टू रेंज, क्राइटेरिया थ्री, और क्राइटेरिया थ्री है, रिटर्न आपके सामने आए। ओके, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, अगली क्लास में हम ज़्यादा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा फॉर्मूला पढ़ा दिया हूँ, तो अगली क्लास में हम इससे आगे चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है।